हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ये एक तरीके का डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है, जिसमें व्यक्ति या बच्चे को लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होती है। मरीज ना तो अपनी बात किसी को ठीक तरह से कह पाता और ना ही दूसरे को अपनी बात समझा पाता। इस बीमारी के लक्षण बचपन में ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ कॉन्टिन्यूअर किड्स डॉक्टर पूजा ग्रोवर कपूर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अनुज, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? तो नमस्कार सभी के लिए जो सुन रहे हैं। ऑटिज्म जो है एक, जैसा जो है अभी अनुज ने बताया, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब दिमाग से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड। डेवलपमेंट जो है वो बच्चों में होता है, धीरे धीरे दिमाग बढ़ता है। तो इस बीमारी में हमारा जो है, जब डेवलपमेंटल स्टेज में हमारा दिमाग होता है, उस समय हम कुछ चीजों से अलग हो जाते हैं। मतलब हम अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, हम दूसरों से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, और क्योंकि कनेक्ट होने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी होती है, तो इसलिए हम बात नहीं करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम जो है अलग तरह की हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि हम डिसकनेक्टेड होते हुए भी खुश रहना चाहते हैं। तो उस खुश रहने के लिए हम अपने हाथों के आगे जो है, अपने हाथ हम ऐसे करते हैं, गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं जो हम अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें दूसरों से कनेक्ट नहीं होना होता है और हम आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करते हैं। मैं जैसे आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। बट ऑटिज्म वाले बच्चे जो है वो कनेक्ट नहीं होना चाहते, इसीलिए एक लक्षण ये होता है कि वो आंख में आंख नहीं मिलाते हैं जी। वो जो है कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वो जो हम सोशल शब्द यूज करते हैं, मम्मी पापा, भूख लगी है मम्मी चलो, ये सब नहीं यूज करते। बल्कि जो उनकी बुद्धि के लक्षण है, जैसे ABCD हो गया, 1 2 3 4 हो गया, एनिमल नेम हो गए, ये वो बढ़िया से बता लेंगे। बट सोशल के वर्ड्स जो हैं, जो हम एक दूसरे से अपने सोशलाइजिंग के लिए यूज करते हैं, कनेक्ट होने के लिए यूज करते हैं, वो नहीं यूज करते हैं। डॉक्टर, इसके होने के क्या कारण हैं? क्या ये जेनेटिक भी हो सकती है? हाँ जी, ऑटिज्म जो है वो दोनों कारण से होती है, दो कारण से होती है। ये जेनेटिक भी हो सकती है, तो हमें रहता है कि हाँ मेरे मामा के बच्चे को भी था, मेरे चाचा के बच्चों को भी था, मेरे बच्चों को भी है, तो जेनेटिक भी हो सकता है। बट नाउडेज हम आजकल देख रहे हैं कोरोना की वजह से जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हुए कि बच्चों की सोशलाइजिंग कम हो गई, टीवी के आगे बैठना बहुत ज्यादा हो गया, तो ये भी जो है एक कारण है जो प्रेसिपिटेट करता है बच्चों को ऑटिज्म लाइक फीचर्स होने का। तो जो है वो बात करना भूल जाते हैं, आई कनेक्टिविटी करना भूल जाते हैं। तो देखा जाए तो ऑटिज्म इज एन इंटरप्ले बिटवीन द जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। अगर आप किसी बच्चे को सोशल एनवायरमेंट नहीं देंगे, तो उसका अगर जेनेटिक फैक्टर खराब है, तो वो और जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा और लेबलिंग जल्दी हो जाएगी, जल्दी सिम्टम्स आ जाएंगे। ओके, डॉक्टर, क्या हम इसे मेंटल डिसऑर्डर भी मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। दिस इज सच अ बिग थिंग। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेंटल इलनेस या फिर जो है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऐसे लोगों को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है, या मेंटल टाइप ऑफ थिंग्स कहते हैं कि इसका दिमाग सही नहीं है ऐसे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसी के लिए जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और अवेयरनेस के लिए हर रोज कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसीलिए जो है ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ रखा गया है। अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ कहा जाता है। पूरा महीना पूरे वर्ल्ड में जो है नीला रंग जो है ऑटिज्म को संबोधित करता है। ये सारी चीजें इसीलिए करी गई ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो अवेयर हो जाए। इसीलिए मैं आज यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके चैनल ने ये इनिशिएटिव लिया,
क्योंकि जो है ये स्प्रेड करना बहुत जरूरी है कि जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत अलग है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सारे मैच करते हैं। कई बच्चे जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होती है उनको भी स्पीच डिले होता है, वो भी देर से बोलते हैं, बट हमारे बच्चों में स्पीच डिले होने का कारण बिल्कुल अलग है। ऑटिज्म जो है वो अलग है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है वो बुद्धि की नहीं है। इनफैक्ट हमारे कई बच्चे ऑटिज्म वाले दो दो साल के 18-18 महीने वाले वो आपको इंडिया का कैपिटल बता देंगे, चाइना का कैपिटल बता देंगे, बट मम्मी पापा भूख लगी है ये छोटी छोटी जो सोशलाइजिंग वर्ड्स हैं वो नहीं बताएंगे। सो प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट, डोंट इंटरमिक्स दिस, दिस आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं और इसीलिए सोसाइटी को जागरूक होना बहुत जरूरी है इस बारे में। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं और इसके लक्षण क्या क्या हैं? ओके, सो हमने जो है इसको नाम ही दे दिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कई बार 6 महीने की उम्र से सिम्टम्स दिखाने शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि रात को सोएंगे नहीं, रोते रहेंगे, बहुत ज्यादा रोएंगे। और कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल तक ठीक थे, बोलना भी शुरू कर दिया, बट उसके बाद एकदम से रिग्रेशन आ गया, उनकी स्पीच चली गई, वो एक दूसरे जो कनेक्ट हो रहे थे वो कनेक्टिविटी खत्म हो गई। तो एज भी बहुत वेरिएबल है, प्रेजेंटेशन भी बहुत वेरिएबल है। मतलब कई बच्चे जो हैं वो इतने इंटेलिजेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वो होंगे कि वो आपको 1.5 साल की उम्र पे कैपिटल नेम्स, एनिमल नेम, कलर रिकॉग्निशन, अल्फाबेट रिकॉग्निशन, उनके सामने कोई अगर गाड़ी जा रही होगी तो उस पे वो पढ़ लेंगे कि जो है HR26, पूरा पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे, साइन बोर्ड्स हैं उसके अंदर सब पढ़ लेंगे। बट सिंपल अगर उनसे कम्युनिकेट करने की बात करी जाए, उनसे पूछो नाम क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे, या बोलते रहेंगे नाम क्या है, क्योंकि वो उनको प्रोसेस नहीं करना है जो चीज आप पूछ रहे हैं उनसे। तो ये जो है बोलने में जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ऐसे ही इसमें जो है आपका सेंसरी कंसर्न्स होते हैं, जैसा मैंने कहा कई बच्चे गोल गोल घूमते रहेंगे, कई बच्चे जो है वो अपनी आंखों के आगे हाथ ऐसे करेंगे, और कई बच्चे नहीं करते हैं, कई बच्चे जो है कोई भी चिपचिपी गीली चीज होगी उससे बहुत ज्यादा घबराएंगे। ये सारी चीजें जो है हमारी सेंसरी कंसर्न्स हैं। हम एनवायरमेंट को नाक आंख कान स्मेल उससे परसीव करते हैं, और ये इन बच्चों में बहुत गड़बड़ होता है। तो हर बच्चे में कितना गड़बड़ है उसी हिसाब से उसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, माता पिता को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से जूझ रहा है? देखिए, अगर जो है बच्चा 1.5 साल की उम्र तक कम से कम 4 कंटेक्चुअल वर्ड्स नहीं बोल रहा है, 4 कंटेक्चुअल वर्ड का मतलब हुआ मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, दादा को दादा, मम को मम, अगर ये 4 शब्द नहीं बोल रहा है, नजर में नजर नहीं डाल रहा है, आप जब उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं नजर में नजर नहीं डाल रहा है, या अगर मैं उससे पूछूं 18 महीने पे पंखा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, कमांड फॉलोइंग दे दो ले लो, ये सारी चीज नहीं कर रहा है, या अगर मैं उसका नाम बुला रही हूं तो नहीं सुन रहा है बट अपनी सारी चीजें सुनना चाहता है जो उसको सुननी है, ये लक्षण ऑटिज्म के अर्ली साइंस हो सकते हैं। हर माता पिता को अपने 18 महीने के माइलस्टोन्स में ये जरूर देखना है। पूरे वर्ल्ड में 18 महीने पे स्क्रीनिंग के लिए गुहार करी जा रही है कि प्लीज अपने बच्चों की स्क्रीनिंग जरूर कराएं 18 महीने पे। बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं दुनिया में, हमने कंटिन्यूआ में भी अपना एक ऐप बनाया है, एक एमचैट स्क्रीनिंग है, इन सब ये सब स्क्रीनिंग है जो 18 महीने पे हर पेरेंट्स को करनी चाहिए, और जो मैंने लक्षण बताए वो चेक करने चाहिए। ओके, डॉक्टर, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, क्या थेरेपी से भी इसका इलाज होता है? सो देखिए, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम ऐसे ऑटिज्म के लिए बहुत सारी थेरेपीज पूरी दुनिया में चल रही है। अगर आप गूगल करेंगे ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म
तो 0.12 सेकेंड में आपको 1 करोड़ जो है वो एंट्रीज आपको दिख जाएंगी जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं ऑटिज्म का। बट मैं आपसे सिर्फ साइंटिफिक रिलेटेड जो साइंस में प्रोवन थेरेपीज हैं उसके लिए बात करूंगी। सो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में है वो बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एबीए थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब तरह की अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं जो अपने बच्चों को जो है वो ऑटिज्म से पूर्ण रूप से बेहतर करने की कोशिश करती हैं। और बहुत सारी जो है वो अभी ट्रायल में थेरेपीज हैं, जैसे स्टेम सेल थेरेपी, ग्लूटेन फ्री, कुछ तरह के खाने होते हैं जो कि जो है बच्चों को बोलते हैं कि इससे प्रेसिपिटेट हो जाता है, कहीं तरह की भ्रांतियां हैं कि वैक्सीनेशन करने से ऐसा होता है। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरे पास इस चैनल ने मुझे ये सुविधा दी है कि मैं पूरे पब्लिक तक पहुंचूं, तो प्लीज जो साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपीज हैं वो अपने बच्चे को कराएं। जो तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इससे भी ठीक हो जाता है, इससे ठीक होता है, वो बैठ के अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और प्लीज जो है अपने बच्चे को वही कराएं जो जरूरी है, साइंस में प्रूवन है। जी डॉक्टर, डॉक्टर बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल थेरेपी क्या है और यह इलाज में कितना कारगर साबित होती है? ओके, तो देखिए जैसे मैंने बोला ABA, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, तो ये जो है एक तरह की थेरेपी है, उसके अंदर जो है हम बच्चे का बिहेवियर समझते हैं कि उसने ऐसी इस चीज से ऐसी हरकत क्यों करी, और जब हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि मैं इसको ठीक कराने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो इसी को हम बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं कि हमने ये जाना बच्चे के अंदर कि उसने ये क्यों किया, किस लिए किया, और उसको ठीक करने के तरीके उस बच्चे से रिलेटेड, दैट इज बिहेवियर थेरेपी। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंटिफिक थेरेपीज, प्रूवन थेरेपीज फॉर ऑटिज्म। दूसरा जो है आपने बोला और स्पीच थेरेपीज, ऐसे ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपका सेंसरी प्रोफाइल करके एक चीज होती है वो भरवाते हैं, उसके अंदर जो है वो बच्चे को देखते हैं कि कौन से सेंस ऑर्गन्स उनके खराब है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, और उसके हिसाब से वो डिजाइन करते हैं कि मैं जो है इसके सेंस ऑर्गन्स को अगर ठीक करूंगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। सो ये वो सारी पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म है जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता है मैं बहुत थोड़ा साइंटिफिक बोल रही हूँ और हो सकता है आज आपको ये सब चीजें एज अ फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हैं ना समझ में आए, बट अगर अपने बच्चे को लक्षण है तो उसके बाद अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो शायद आपको काफी सारी चीजें ऑन ट्रैक समझ में आने लग जाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। डॉक्टर, ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है? ओके, तो 2013 में जो है क्राइटेरिया निकले थे जिन्होंने जो है वो बोलते थे ये ऑटिज्म है, बट कई बहुत सारे बच्चे जो है वो छूट जा रहे थे क्योंकि जो है वो ऑटिज्म के क्राइटेरिया में बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया दिए थे DSM-5 करके उन्होंने। बट 2013 के बाद जब हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है जो छूटे चले जा रहे हैं बिकॉज क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो फिर हमने जो है 2013 के बाद खाली ऑटिज्म वर्ड को हटा दिया और अब हम फॉलो करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो उसके अंदर हम पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं कि जो जो मैंने लक्षण बताए अगर उसमें से कुछ भी है लक्षण तो वो ऑटिज्म की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इसलिए हमने ऑटिज्म खाली हटा दिया क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट टर्म था, बहुत सारे बच्चे हमारे छूट रहे थे जो उस टर्म को फॉलो नहीं कर रहे थे बट वो नॉर्मल कैटेगरी में भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जो है हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डाल दिया ताकि सारे बच्चों की स्क्रीनिंग हो पाए और उनको हेल्प मिल पाए अच्छे से। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जाएं ऑटिज्म जो बच्चे हैं, ऑटिज्म से पीड़ित हैं, उनके लिए? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी पेरेंट्स से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज टाइम दीजिए अपने बच्चों को। हम देखते हैं कि जो है टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स बच्चों को, टीवी के सहारे सिखाना वो बिल्कुल अलग चीज है और बैठ के उनके साथ जो है गा के पोयम गाना, उनके साथ उनको पकड़ के टच करके उनके साथ गुनगुनाना या कोई बोर्ड गेम खेलना, वो बच्चे को सही डायरेक्शन में कनेक्टिविटी की तरफ ले जाता है। बट
अगर हम सोचें कि जो है हम सिर्फ टीवी के आगे बच्चे को बिठा दें और वहां से वो सारा अल्फाबेट नंबर कलर सीख ले, वो सोशलाइजिंग भूल सकता है। उसकी जो है ये इम्प्रेशन जो है वो जिंदगी भर के लिए रह सकता है कि जो है उसको मजा ही ना आए लोगों से कनेक्ट होने में। तो इसलिए प्लीज ऑल द पेरेंट्स जो कि जो है जिनके बच्चे डेवलपमेंटल स्टेज पर हैं, 3 साल 4 साल तक के हैं, प्लीज अपने घरों से टीवी हटा दीजिए, मोबाइल जो है उसको कम से कम यूज करें, अपने बच्चे के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करें, उसके साथ छोटी छोटी चीजें, रिंगा रिंगा रोजेस खेलिए, उसको पोएम सुनाइए खुद, उसके साथ जो है छोटे छोटे गेम बच्चा बन के खेलिए और शाम को जरूर बच्चों के बीच में रखिए ताकि उसको कनेक्टिविटी आए। और क्योंकि कोविड टाइम में अभी मुझे भी पता है कि सब क्या चल रहा है, आगे आने वाला बहुत सारा कुछ हो रहा है, बट आप घर में तो जो है टीवी को आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा अगर हमारे बच्चे में कहीं पर भी डेवलपमेंटल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो। डॉक्टर, प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से एहतियात बरतें हैं जिससे होने वाले बच्चे को दिमागी बीमारी से बचाया जा सके? ओके, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि बोलते हैं एक स्वस्थ माँ में ही एक स्वस्थ बच्चा होता है। तो टू स्टार्ट फ्रॉम, इंडिया में हमारी मदर्स जो है वो काफी ज्यादा जो है वो थोड़ा आयरन डेफिशिएंसीज है, थोड़ा नरिशमेंट की भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो है एंटीनेटल पीरियड जो 9 महीने होते हैं उसके अंदर जो है मदर्स का खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, वैक्सीनेशन उनका भरपूर अच्छा जैसे जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा होना चाहिए। दूसरा, अगर थायराइड की डेफिशिएंसी डायग्नोस हुई है तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना चाहिए। मदर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब जो है वो प्रेग्नेंट है तो प्लीज जो है वो अननेसेसरी दवाइयां ना लें। टेंशन फ्री माहौल चाहिए मुझे, मुझे घर का अच्छा माहौल चाहिए जहाँ पे जो है एक मदर जो है वो खुश मिजाज होकर खुश तरीके से रहे ताकि जो है उसका इम्पैक्ट जो है जो बच्चे पे आता है वो अच्छा हो। बोला जाता है कि जो है जो अभिमन्यु की स्टोरी थी कि जो है वो सुना उसने गर्भ में रहकर चक्रव्यूह तोड़ने की, वो सच है। तो बच्चा जो है सुनना शुरू कर देता है 28 से 30 हफ्ते के बाद गर्भ में, तो उस समय जो है अच्छी चीजें सुने, खूब खुश रहें, और प्लस जो है उसको आप ये मत सोचिए कि जो है मैं जो है अगर अच्छी चीजें खाऊंगी या मैं अगर बुरी चीजें खा रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना पड़ेगा। अर्बन कल्चर में हम देखते हैं कि फीमेल्स जो है अल्कोहल ले रही है तो उस दौरान अल्कोहल, उस दौरान स्मोकिंग, इनफैक्ट पैसिव स्मोकिंग भी, अगर जो है घर में कोई सिगरेट पीते हैं तो वहां से जो है आपको हटना पड़ेगा या उनको बोलना पड़ेगा कि आप बाहर पीजिए, यहाँ पे जहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं वहां पे नहीं होना चाहिए स्मोकिंग, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो कैन इफेक्ट द प्रेगनेंसी अगर आप एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं। और ये प्लस रेगुलर हेल्थ चेकअप होने चाहिए, सोनोग्राफीज होनी चाहिए, प्लस आजकल जो है हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग जो है थोड़ी सी फ्री करवा रहे हैं ताकि अगर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो पहले ही डायग्नोस हो जाएं, तो अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए तो प्लीज करवाएं। तो ये सारी चीजें जो है स्वस्थ बच्चे को जन्म लेने में हेल्पफुल होंगी। डॉक्टर, क्या ऑटिज्म ठीक हो सकती है और आगे चलकर इसमें लोगों का बर्ताव कैसा होता है? सो देखिए, हम जो है अगर जेनेटिकली डायग्नोस हुआ है ऑटिज्म, मेरे जीन्स में आ गया है ऑटिज्म, तो ये एक क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग बड़ी जो है समस्या है, क्योंकि हम थेरेपी करेंगे तो माना जाता है कि जो है अगर सिवियर कैटेगरी वाला बच्चा है तो वो एक कैटेगरी मूव करके मॉडरेट तक आ सकता है, फिर चाहे हम कितनी भी थेरेपी करें, मॉडरेट से अगर हम बोले नॉर्मल चले जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर कोई माइल्ड कैटेगरी का है तो वो एक कैटेगरी स्विच होकर नॉर्मल आ सकता है। तो अगर आप देखें तो हमारी जितनी बड़ा ये स्पेक्ट्रम वाला है उसमें जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा आगे आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। सो हम बोलते हैं डेवलपमेंट हमारा 4 से 5 साल तक का होता है, अगर 4 से 5 साल तक में अगर हम सिवियर कैटेगरी में रह रहे हैं ऑटिज्म की तो ये समस्या जिंदगी भर की रहने वाली है। बट अगर 4 साल के आसपास अगर हम माइल्ड में आ रहे हैं तो जो है हमें नॉर्मलसी की तरफ आने में, अगर हम सही अप्रोच लेते हैं, हम थेरेपीज कराते हैं, हम बच्चे का एनवायरमेंट ठीक रखते हैं,
हम स्कूलिंग अच्छी तरीके से इंक्लूसिव में डालते हैं तो भविष्य अच्छा होने की पूर्ण फुल गारंटी फॉर दैट। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच ये मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ पे सबको जो है इस चीज के बारे में अवेयर करूँ। थैंक यू। आज हमने ऑटिज्म के बारे में जाना, इसी तरह से आगे भी अपने एक्सपर्ट से स्वास्थ्य पर जानकारी लेते रहेंगे। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते मैं हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। टुडे डॉक्टर्स आर बिजियर देन एवर प्रोवाइडिंग केयर एंड एडवाइस टू पेशेंट्स। And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.